iniciativa. दोन प्रवेश फक्त आपण करणार आहोत आणि मग आपल्याला माननीय दादा माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय नड्डाजी संबोधित करतील. पांच साल पहले जो हम भ्रष्टाचार युक्त प्रदेश देखते थे, आज हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देखते हैं. पहले हम अनस्टेबिलिटी की दौर से गुजर रहे थे, तो आज यहां एक स्टेबल सरकार देखते हैं और ये विकास युक्त सरकार देखते हैं. ये पांच साल का परिवर्तन हमको देखने को मिला है और इसलिए स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को हम लोगों ने इस पांच साल में देखा है और इससे मुझे संतोष भी है और सेटिस्फैक्शन भी है. दूसरी बात यह है कि यह संकल्प पत्र इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट इज अ वेरी वेल स्टडीड डॉक्यूमेंट. यह सिर्फ एक पत्र ही नहीं है, यह बहुत गहराई से बनाया हुआ, बहुत अच्छे से स्टडीड डॉक्यूमेंट है एंड इट इज अ सीरियस डॉक्यूमेंट. जब मैं सीरियस डॉक्यूमेंट कहता हूं तो आई कैन से दैट कांग्रेस पार्टी एंड एनसीपी एंड अदर पार्टीज हैव डायल्यूटेड द इफेक्ट ऑफ मैनिफेस्टो एंड कमिटमेंट पेपर्स. उन्होंने उसको डायल्यूट कर दिया है, कहने के लिए कहा है, लेकिन यहां पर सारी चीजों का कंसल्टेशन हुआ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कंसल्टेशन हुआ है, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को अपने साथ जोड़ा है और उस जोड़ने के बाद एक स्टडी डॉक्यूमेंट. इसलिए मैं महाराष्ट्र प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि दे हैव कम आउट विद अ वेरी स्टडी डॉक्यूमेंट एंड इट इज अ प्रैग्मेटिक पेपर, इट इज प्रैक्टिकल इन नेचर, इट इज डूएबल. ये करने लायक है, किया जा सकता है और करने के लिए क्या क्या चीजों का आवश्यकता होती है उसकी भी गहराई से चिंतन हुई. इट रिप्रेजेंट्स ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह इसके स्पिरिट में है. लेकिन इसके साथ साथ फोकस लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द पेडिस्टल ऑफ द सोसाइटी, ये अंतिम व्यक्ति को फोकस करके ये मैनिफेस्टो बना है.